हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अन अकेडमी। सो एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास ये पांच स्किल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जरूर होना चाहिए, है ना। मतलब आप प्रिपरेशन भले कर रहे हो लेकिन आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। जैसे भाई जिसका एम एकदम क्लियर है कि मुझे निकालना ही निकालना है, ठीक है, तो वो तो फोकस कर ही रहा है एग्जाम्स में, प्रिपरेशन में, ठीक है। लेकिन जिसका मन भटकता है ना, या आपने सिविल इंजीनियरिंग में चार साल इंजीनियरिंग किए हो ना, या अभी आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो अभी आपके पास समय है, तो आप प्रिपरेशन के साथ साथ ये पांच चीजें और अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो क्या है ये पांच चीजें? पहला चीज है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो अभी आजकल आईटी में बूम है ना, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन हमारा भी जो कंप्यूटर रिलेटेड डेटा है ना, या जो काम होता है जिसे हम शोकेस कर पाते हैं कि हाँ आपका बनने के बाद घर कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ऑटोकैड आपको आना चाहिए, रिवेट आपको आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रैट प्रो आपको आना चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको प्राइमावेरा भी आना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों में से अगर आप किसी को एक अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम अभी से बन सकता है, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग करके उससे कुछ इनकम कमा सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल भी इंक्रीज होगी प्लस आपको रिवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है। और आगे जाके अगर आप उसी में बहुत अच्छा करते हो तो आप एक कंसल्टेंसी भी डाल सकते हो, है ना, फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो ऐसे ही आदमी ग्रो करता है, ऐसे ही कोई आदमी ग्रो करता है, ठीक है। और अभी से आप करोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, तो आप आगे जाके आपके लिए एक चीज तैयार रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक सर स्कोप है ही हमारे पास। दूसरा ये जो कोई इंजीनियरिंग में कहीं नहीं सिखाते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो अगर आप कहीं से ये सीख पाओ, या अपने कॉलेज में, वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं होगा ये, जनरली मोस्ट ऑफ द सिलेबस में ये होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी यूट्यूब है, ठीक है, अदर कोई एप्स हैं जहां पे आपको काफी कुछ सिखाया जाता है, तो वहां से आप बार बेंडिंग शेड्यूल सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखना होगा यहां पर यूट्यूब में, तो मैं भी लेक्चर लाऊंगा। इसमें एक्सेल में पूरा फॉर्मूला वर्क होता है, बहुत कम लोग को पता होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम है, ये भी बहुत बढ़िया काम है, ओके। नेक्स्ट जो है, आपको और क्या क्या छोटी छोटी चीजें, अगर आप साइट पे वर्क करने वाले हो अगर आगे, तो आपको डिटेल एस्टिमेशन और बिलिंग आना चाहिए। ऐसे तो आप अगर जेई बनते हो आगे जाके, या एई बनते हो, तो ये काम तो वैसे भी आएगा, ये काम तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के, जैसे एई जेई निकालते हो या गेट निकालते हो, जनरली स्टेट के एग्जाम्स अगर आप निकालते हो, तो जनरली बिलिंग आपको करना पड़ेगा। भाई जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करके दिया है तो उसको बिल बना के पास भी तो करवाना है, तो वो सब आइडिया होना चाहिए ना आपको। और सबसे बड़ी बात, एक इंजीनियर के लिए जो मैप है, मतलब या बोल सकते हो ड्राइंग है, वो पढ़ना आना चाहिए, है ना, कि स्टील का बार है तो कैसे डाया दिया हुआ है, है ना, बेडरूम कहां पर है, डोर का क्या सिंबल है, विंडो का क्या सिंबल है, ये सारे सिंबल्स आपको, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये सब पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि कॉलम है तो कॉलम में जो रॉड लग रही है या रिइंफोर्समेंट लग रहा है तो वो कैसा है, वो सब पढ़ना आना चाहिए आपको। हर तरह की ड्राइंग आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा भाई, हमारी गीता है, ये कौन है, आईएस कोड। तो आईएस कोड, आपको आईएस कोड के प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है, कि अगर आरसीसी तो आपके सिलेबस में ही होता है 4, 5, 6, ठीक है, फिर भी कई स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें, ये पांच स्किल अगर आपके पास हैं, तो एज अ फ्रेशर भी आपका बहुत अच्छी जगह रिक्रूटमेंट हो सकता है इन प्राइवेट कंपनीज, और अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर ही रहे हो साथ ही साथ, है ना, और अगर आप चाहते हो गेट अकेडमी का गाइडेंस और अन अकेडमी का गाइडेंस, तो आप प्रिपरेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हो गेट अकेडमी, अन अकेडमी को। साथ ही अगर आप अभी गेट का एग्जाम देने वाले हो 23 में, ठीक है, मान लो थर्ड ईयर में हो, फॉर्म फिल कर दिया है, तो उस एग्जाम के पहले ये तीन कॉम्बैट जरूर देना, ठीक है, जो 15 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी को होने वाले हैं, ठीक है, ये कॉम्बैट जरूर देना। कोड लगाना GA1111, तो फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैंने कमेंट में डाल दिया, ठीक है, वो कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो फॉर कॉम्बैट। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे पास, अगर आप इंडिया के सबसे
बड़े जो सिविल के एग्जाम होते हैं जैसे गेट हो गया, अभी IRMS भी आ गया है, CSE है ना, ESE आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, और CSE मतलब सिविल सर्विसेज। अगर आप सिविल सर्विसेज प्री निकाल लिए हो और आप मेंस में आप ऑप्शंस में सिविल इंजीनियरिंग चुने हो, ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। फॉर 24 हमारे पास उड़ान है और 25 बुनियाद है, ठीक है। अभी ऑलरेडी जसपाल सर और कृष्णा प्रकाश सर की क्लास चल रही, कृष्णा प्रकाश सर जियोटेक ले रहे हैं, जसपाल सर इरिगेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो आप यहां पर कोड लगा सकते हो GA1111। इन सारे कोर्सेज में आपको ये सारे सिविल के फैकल्टी और नॉन टेक के फैकल्टी पढ़ाते हुए दिखेंगे, ओके। और यहां पर जो कॉस्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप प्लस पर जाते हो, प्लस बैच पे जाते हो, तो 2 ईयर्स का है 56,424 और 1 ईयर का जो प्राइस है वो है 37,105। और आइकॉनिक में जाते हो, आइकॉनिक में क्या होता है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो आइकॉनिक में अगर आप 2 ईयर के लिए जाते हो तो ये है 67,050 और फॉर 12 मंथ ये है 47,700, ओके। सिमिलरली अगर आप लो कॉस्ट में देखोगे तो प्रतिज्ञा बैच है हमारे पास, है ना, जहां पे 15 मंथ का प्राइस है 4599 और 30 मंथ का प्राइस है 7499, जहां पर ऑलरेडी दीपराज चंद्राकर सर का सॉम चल रहा है, 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, और यहां पर आपको गेट अकेडमी के सारे फैकल्टी पढ़ाते हुए दिखेंगे। कोड लगा सकते हो फॉर डिस्काउंट, आपको कोड लगाना होगा GA11। अगर आप एक साथ पूरा कोर्स चाहते हो तो हमारे पास इंग्लिश में भी रिकॉर्डेड है और इंग्लिश में भी, ठीक है। इंग्लिश में हम हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे, और इंग्लिश में सब चीज इंग्लिश में होगा, ठीक है। इंग्लिश का जो प्राइस है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, वो है 3999 एंड 4999 फॉर 15 मंथ एंड 30 मंथ, एंड इंग्लिश का जो प्राइस है वो है 5499 और 7499। फॉर दिस डिस्काउंट आपको कोड लगाना होगा GA1111, ओके। सो कॉम्बैट के लिए जरूर रजिस्टर करेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप GATE 23 के लिए टारगेट कर रहे हो। और इन 5 स्किल्स में से कोई ना कोई एक स्किल जरूर सीखें, ठीक है। एम बनाए कि नए साल में मैं इन 5 में पूरे 5 ना सीख पाऊं तो कम से कम सॉफ्टवेयर सीखूं, है ना, या मैं IAS कोड जो मेरे सिलेबस में है उन्हीं को अच्छे से रीड करूं, डाउनलोड करूं पहले और रीड करूं, ठीक है। ये आपका एक एम होना चाहिए, साथ ही साथ प्रिपरेशन भी चल रही है, और साथ ही साथ अगर आप ये 5 स्किल्स में अच्छे हो जाते हो तो फिर आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट एंड अचीव दीज 5 स्किल्स।